आज इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 7 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, जिसकी स्पीड होगी 60 शब्द प्रति मिनट। यदि आप अभी शॉर्ट हैंड लिखना सीख रहे हैं, यानी कि आपने डिक्टेशन लिखना शुरू किया है, तो ये डिक्टेशन आपके बहुत ही काम आने वाली है। और यदि आपको शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक आ रही हैं, आउटलाइन ठीक से नहीं बन पा रही हैं, तो आप आज ही हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की हैं, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक आपको मिल जाएंगी, हिंदी की आपकी बुक मिल जाएंगी। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी, और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी, अध्यक्ष महोदय 10वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार करते समय सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, उन पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय 9वीं पंचवर्षीय योजना का अब अंतिम वर्ष चल रहा है और इस योजना के अंदर जो चीजें कही गई हैं, ऐसा लगता है कि उसके अंदर परिवर्तन करना कठिन है, बदला भी नहीं जा सकता। पैराचेंज, अध्यक्ष महोदय कुछ चीजें की जा सकती हैं, उसके अंदर आज भी कुल कितना खर्च है यह तय नहीं किया गया, केवल कटौती ही निश्चित की गई है। शुरू में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ सदस्यों ने जो यह प्रश्न बताया है, इसके अंदर कमियाँ हैं और बहुत सी कमियाँ हैं जिनके ऊपर मैं यहाँ कुछ दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता भी हूँ कि इस तरह से प्रश्न न उठाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यह योजना सरकार ने बनाई है, यह योजना मंत्रिमंडल ने पहले बनाई और अनुमोदन होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो यह कमी रहने का दोष किसके ऊपर है? मैं समझता हूं सदन के सभी सदस्य इसको जानते हैं। पैराचेंज, बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्रश्न उठाए जो दिल्ली के साथ अन्याय किया गया है, तो मैं समझता हूं कि इस बारे में सब आवाज उठाएं। इस बात की आज ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यह कहना चाहता हूँ
भारत सरकार से या जिन्होंने ये सारी योजनाएं बनाई, उन्होंने वास्तव में यहाँ के साथ बड़ा बुरा किया, यहाँ के साथ अन्याय किया, क्योंकि उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को बनाते समय ध्यान नहीं दिया कि क्या योजना बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं, इनसे क्या लाभ हानि होगा, इन सब बातों पर उन्होंने विचार नहीं किया। तो मैं समझता हूँ, ऐसी परिस्थितियों के अंदर यह बात ठीक नहीं है। ऐसी दशा में यहाँ पर 5 वर्षों में आने वाली योजनाएं बेकार बनकर रह जाएंगी। जो कटौती निश्चित की गई है, उसको समाप्त करना चाहिए, ताकि दिल्ली को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श नगर बना सकें। यह बहुत ही आवश्यक है। यदि हम इस स्थान की उन्नति चाहते हैं, इसलिए अब मैं अपना कथन इन शब्दों के साथ ही समाप्त करता हूँ, फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। शॉर्टहैंड संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करना है और कैसे बुकों को परचेज करना है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।